नमस्ते इंडिया, कुछ भोले के भक्त हमारे साथ हैं। और भोले कहाँ से आ रखे हैं आप? मेरठ से आए हैं भोले। और इनकी कावड़ इतनी सुंदर है कि मैं देख के रुक गई हूँ यहाँ पे। ये बिल्कुल अनोखे तरीके की कावड़ है, नए तरीके की। सिंपल आपने देखा होगा इस प्रकार के कलश यात्री कई बार लेके जाते हैं ये वाला, मगर ये वाला इतने सुंदर लग रहा है तो मैं आके रुक गई हूँ यहाँ पे। एक और भोले हमारे साथ। बोले आपका क्या नाम है? ऋतिक वाल्मीकि। ऋतिक वाल्मीकि जी हैं आपका? वाल्मीकि, वाल्मीकि जी हैं ये भी। और इतनी सुंदर है, अभी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे अपनी कावड़ बांधने की। और साथ साथ कितने स्टाइल से बांध रहे हैं हमारे साथ साथ ही। और यहाँ इतना आनंद आता है इन लोगों को कि भोले बहुत ही अच्छे लगते हैं। पीछे मैं आपको दिखाते हुए वीर बजरंग कावड़ जा रही है झंडे के साथ। शंकर भगवान और हनुमान जी का परमानेंट जयकारा चलता है, वो जाता है। और टाइट इनका बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत ही अच्छी तरह से बांधे ये लोग, क्योंकि आगे तक इन्हें कहाँ जाना, कहाँ है आप लोगों को? किला परीक्षित का। अच्छा, मेरठ तक जाना है। मेरठ तक जाना है तो फिर इन्हें भी उसी हिसाब से टाइट करके स्ट्रॉन्ग कावड़ बांधनी पड़ती है। बोले कितना लीटर जल होगा इसमें? 71 टोटल। 171 लीटर। 171 लीटर है, आप देख सकते हैं जल है इसमें 171 लीटर। पूरी कावड़ 2 क्विंटल 30 किलो। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, सिर्फ सुनना और कहना और देखना आसान है, मगर काम इतना ज़्यादा मुश्किल है। ये 171 लीटर, मगर इनकी भोलेनाथ में श्रद्धा है तो उस वजह से ये बिल्कुल घबराते नहीं है रास्ते में, वो चलते जाते हैं भोलेनाथ के भोलेनाथ के आगे इनका सिर्फ श्रद्धा और प्रेम है, उसके आगे कुछ नहीं है इनका, कोई थकावट। तो आगे जाके तो आपको बाद में थकावट लगती होगी। बिल्कुल बेटा, ये कोई इनके गले खराब हो चुके हैं जयकारे लगा लगा के, और 2 रातों से ये सोए भी नहीं है बता रहे हैं, मगर इतना इन्हें आनंद आ रहा है। कितना अच्छा इन्होंने हमारे सामने ही कावड़ तैयार कर दिया लगभग, और बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें। ये भोले की रेडी हो गई हैं कावड़, और अब हम इनसे यहाँ पे कितनी सुंदर लग रही हैं, और चलेंगे अभी हम यहाँ से। मैं आपको थोड़ी और कावड़ दिखा देती हूँ पीछे। ये भी हैं, ये भी भोलों की हैं, ये पूरे इनके ग्रुप की कावड़स हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं। ये अभी भोले रेडी कर रहे हैं कावड़, और ये बताएंगे आपको इस कावड़ के बंधवाने के कुछ चार्जेस होते हैं, क्योंकि वहाँ से कावड़ तैयार होके आती है। तो बोले आप वहाँ से नहीं बंधवा के लाए क्या? 2500 रुपये दिए थे जी वहाँ से। अच्छा मिला। अच्छा, बताओ रास्ते में बांधी फिर दिल्ली होगी। ये इन्हें ध्यान देना चाहिए जो लोग वहाँ कावड़ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशनल काम है। प्रोफेशनल काम है तो उसे, हाँ, ऐसे सारे व्यक्तियों को उसमें, क्योंकि जो प्रोफेशनल हो उसे ही लगना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को बहुत ही दूर जाना होता है। ये तो भोले के भक्त हैं। अब तक 5 बार खोल चुके, पांच बार। इन कावड़ को रास्ते में इतनी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये कह रहे हैं कि क्योंकि जल की मात्रा इतनी ज़्यादा है, 171 लीटर सिर्फ जल है टोटल, ये बता रहे हैं। ये देखो इसका ये स्पोर्ट है, और वो सब चीजें मिला के पूरा 215 किलो इसका वजन हो जाएगा। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति के कंधे पे जब 215 किलो वजन आएगा तो उसके लिए कितनी उन्हें टाइट स्पोर्ट चाहिए। और ये देखो ये कितना ज्यादा, ये कितना अच्छा बना रहे हैं, और कितनी अच्छी लग रही है इनकी कावड़। कम से कम 10 बार खुल गया जी, 10 बार खड़ी होकर पूरे पूरे दिन लेकर मैं खड़ा रहता हूँ। गिर ज़्यादा अगर जो बैठ गया भी नहीं, बैठ बैठ का मिले मैं लेकर खड़ा रहता हूँ। आज बांध दिया हमने अपने आस पास, खड़ी होगा हमें खुद खड़ी है, हमने अपने हाथ से बांध दिया, हमने खुद तैयार कर लिया। इस प्रकार का काम, इस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप बहुत सावधानी रखें, ये सब विशेष है। 1 क्विंटल 20 किलो मेरा आज गिरा था पुल से पार, पुल से पार गया, क्योंकि ये एक ग्रुप बना के आते हैं, एक समाज के लोग हैं, तो बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह का काम ना करें, जो भी कावड़ बांध रहे हैं बहुत ही सावधानी से बांधें। भोले शंकर के भगत है, हाँ, उनका सम्मान करें और बहुत अच्छी तरीके से कावड़ बांध के दें, ताकि इन्हें बिल्कुल अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना आए। बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों से मिलकर, और कावड़ इनकी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बिल्कुल लगभग इनकी रेडी है। और ये इनका कितना है कि मतलब पूरा सहयोग दे रहे हैं सब एक दूसरे को, ये नहीं है कि कोई आगे चल रहा है और कोई पीछे चल रहा है, बिल्कुल सब हेल्प कर करके एक दूसरे के साथ बांध बांध के चल रहे हैं ये कावड़। थोड़ी है
5,000 के तो कलश आए, 1 क्विंटल 20 किलो, उसमें 6 कलश है 20-20 के रखे हैं। वहाँ पुल से आगे रखा है, 2 बजे तक लोग रुकेंगे, अब जाके 2 बजे पावर रखेंगे, उसके बाद 3 बजे फिर डालेंगे, 1 घंटा आराम करते हैं। देखो इन लोगों को समय की कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं, 2 रातों से तो ही सोए नहीं है। समय कुछ नहीं हमारे लग पास, हमारा भोला बाबा हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ी ले जा रहे हैं, भोला बाबा ही ले जा रहे हैं। सही बात है, तो जब इतनी श्रद्धा है तो आप उसी विश्वास के साथ इन लोगों की सम्मान करना चाहिए। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया इनकी कावड़, 28 कलश हैं इसमें और 10 आप इधर देख रहे हैं, 10 इधर देख रहे हैं और साथ में लाइटिंग कर रहे हैं अभी ये बोले। अच्छा बोले, इतनी बड़ी कावड़ है ये 171 लीटर की, कोई विशेष आपकी मनोकामना होगी मन में? अच्छा कितनी अच्छी बात बताई है इन्होंने, सिर्फ माता पिता के नाम से ये 171 लीटर जल भर के लेके जा रहे हैं अपने, और बहुत ही, क्योंकि माता पिता गुरु, पहले गुरु माता पिता ही होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा ये अपने माता पिता के लिए जल लेके जा रहे हैं, मतलब उनके श्रद्धा में जल लेके जा रहे हैं। सही बात, भगवान भगवान का मार्ग भी माता पिता दिखाते हैं, गुरु दिखाते हैं, क्यों तो भगवान ही होता है ना, इतनी ज़्यादा श्रद्धाएँ रखी हुई है तो इनसे आप देख सकते हैं विश्वास। और लाइटिंग देखो आप इनकी कितनी प्यारी, लाइट स्टार्ट हो गई है, लाइटिंग लगनी तो पहले मैंने 30 लीटर से लुटाया, अब मेरे 1 क्विंटल 20 किलो है जो आज के रखा है, धीरे धीरे बढ़ गया इनका, 4 गुना हो गया है, 30 लीटर जल से सीधा सीधा बोले है ना, मुझे इन्होंने जल उठवा रखा है, पहली बार जल उठवा रखा है। अच्छा शुरू शुरू में 85 लीटर है आपका, 85 लीटर है, बोले कि भी बोले कि गौरव जी की कावड़ रेडी होगी आपकी। देखो कितनी सुंदर इन्होंने बना ली है, टोटल वजन अब दोबारा बताएंगे, ये 171 लीटर इसका कावड़ का वजन है, 215 किलो टोटल हो गया। तो बोले बहुत अच्छे लग रहे हैं ये सब लोग, अब रेडी होने वाले हैं, रेडी हैं ये उठाने को, और सब इनकी हेल्प करके वो सहायता करके बोले चल पड़े हैं। ओके बोले, बाकी इनका पूरा ग्रुप चल पड़ा है, ओके बोले सारा ग्रुप चल पड़ा है, जय बोले कि ओके बोले, जय बोले।